हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हम मंदिर आए हुए हैं दर्शन के लिए, और ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बनाया है। रुको, ए चढ़ाने के लिए लेना पड़ेगा। ये आ गए हम लोग किलेश्वर महादेव मंदिर हार फूल चढ़ाने के लिए। कितने का मिलेगा हार फूल? हार फूल कितने का मिलेगा? ऐसा टोकरी 50 रुपये का, 50 बेलफूल 20 रुपये। तो वो टोकरी दे दो। हाँ? टोकरी दे दो, बेलपत्र डालोगे ना? क्या मेरा करता? टोकरी अभी सब लोग लेके गए। तो ये है मंदिर के सामने का व्यू, बहुत बड़ा सा सी। यहाँ पर मैं बच्चों के साथ में भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। बच्चों ने भी भगवान जी की पूजा की है। हे भगवान, बच्चों की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। और अभी भावना और लवली भी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। एक ही कलश है, उसी से बारी बारी सबको आके जल चढ़ाना है वहाँ पे। और यहाँ पर भजन बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है, और यहाँ पे आदि खड़ा है बेचारा, वेट कर रहा है सबका, बोर हो रहा है खड़े खड़े ये। और इस मंदिर में आके ना बहुत शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। और अभी डॉली भी जा रही है पूजा करने, क्योंकि डॉली वीडियोग्राफी कर रही थी इसलिए बेचारी लेट में गई है पूजा करने। मंदिर के बाहर का नज़ारा, और ये देखो ये सी का नज़ारा है। ये सी है यहाँ का, पानी भरेगा। और ओम और आयुष्मान, आयुष्मान इधर देखो, हालत खराब हो गई ना बच्चों की। ये है शिवाजी महाराज का किला, जो पानी से इस तरफ से तो पानी से घिरा हुआ था, छुपा हुआ किला है, इसीलिए इनको कौन है क्या हो, इसीलिए ये महादेव जी को किलेश्वर महादेव मंदिर को बोलते हैं। इनको ये मंदिर का नाम किलेश्वर महादेव, पुराने साल का, हाँ पुराने साल का लोटा पड़ा है कलश कलश। बिंदु तो आ नहीं पाई है, हम लोग आए हैं। बिंदु आई रहती मेरी हालत इतनी ख़राब नहीं हुई होती, क्योंकि मैं स्कूटी से आई होती, तो बच्चे लोग कार से आ गए होते। आयुष्मान और मैं और बिंदु स्कूटी से आए रहते, लेकिन बिंदु आई नहीं, जिस वजह से हम लोगों को कार से आना पड़ा। और कार से हालत ख़राब हुई, अभी जाना भी है। महादेव जी से मैं ये प्रार्थना करूँगी कि हे महादेव जी, मेरा चैलेंज चलवा दो। और पीछे दिख रहा है किला, किला शिवाजी महाराज का किला। बाहर से पता नहीं चलता है कि यहाँ पे किला है, लेकिन अंदर आएंगे तो पता चलता है यहाँ पे किला है। तो अभी यहाँ पे बैठ गई थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा आराम मिल रहा है। जाने के लिए डर लग रहा है बहुत। तो अभी हमें मिला है प्रसाद, ये भाई प्रसाद, भाई प्रसाद बांट रहे हैं यहाँ पे सबके लिए। Thank you.
ये बारिश बादल बने हुए हैं, काले घने बादल आ चुके हैं। हाँ भीगेगा तो मम्मी मारेगी तेरी। शिवाजी महाराज का किला। तो अभी मैं ये टोकरी देके आती हूँ हार फूल वाली को, और चप्पल भी पहन के आती हूँ, इसको देना भी रहेगा ना किसी को। टोकरी की कमी है बेचारी को, हाथ भी धोना है मुझे। चप्पल कहाँ है यहाँ पर, तो मेरे जैसे चप्पल बहुत सारे हैं। ये रहा मेरा चप्पल, पहन लेती हूँ और यहाँ पे आके हाथ धो लेती हूँ जरा। हाथ धो लिया मैंने, अभी चलते हैं। ये कौन सा फूल है, बहुत प्यारा लग रहा है, पता नहीं कौन सा फूल है पर है बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसे खिला हुआ है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। चलते हैं डॉली लवली आयुष्मान के पास। मैं कैसी लग रही हूँ, ग्रीन ग्रीन पौधों के पास, ग्रीनरी अच्छी लग रही है ना। थोड़ा सा मैंने प्रसाद में लड्डू खाया है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मेरी तो एकदम हालत ख़राब हो गई थी, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, उल्टी आ रही थी। आयुष्मान भी लड्डू लेके भागा भागा आ रहा है, क्या हुआ? आयुष्मान मेरे साथ जाने के लिए आया है। मैं इधर से आ रही थी ना, इसलिए बारिश आने लगी है। और डॉली को देखो, लवली को देखो, बस पूछी है आती नहीं है। और यहाँ से स्टार्ट होता है किला। किला तो है वैसे बहुत बड़ा, पर
पहले से रहा होगा ना इधर। यह छोटी सी बोट, इसको ओम ने डिस्कवर किया है और ओम खुद पानी में से जा रहा है। बिंदु मुझे देखेगी तो जान से मार देगी, बिंदु मुझे नहीं, ये वीडियो देखेगी तो जान से मार देगी। आयुष्मान भी जा रहा है और ये हम लोग किले के पास वीडियो बना रहे हैं। ये है शिवाजी महाराज का किला, यहाँ पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं शिवाजी महाराज के किले के पास खड़ी हूँ। ये किले का क्या है, ये किले का मुझे नहीं पता, पर ये किला ही है ये पता है। बच्चे लोग वहाँ वीडियो बना रहे हैं। क्या है किले में अपने को क्या पता, कोई गया होता तो अपन जा सकते ना। ऊपर का नजारा दिख रहा है, कोई नहीं आप लोगों को। और मेरे साथ ये दो चिंटुकले मिंटुकले खड़े हुए हैं, ये चिंटुकले मिंटुकले हैं यहाँ पे। और ये दोनों जन मम्मी का वीडियो ले रहे हैं, साथ ही साथ सब लोग हैं साथ में वीडियो लेने के लिए दूसरे का। भावना दीदी कितने साल सब तो बना चुकी है, अब क्या बनाए बेचारे। बहुत गंदा आ रहा है क्या, जल्दी जल्दी इतनी सारी फिश मिल कैसे जा रही है इसको। अभी चलते हैं, वीडियोस हो गए, फोटोज हो गए और ये सेल्फी क्वीन लोग सेल्फीज ले रही हैं। अभी चलते हैं हम लोग। और ये पीछे दिख रहा है ना, ये कहाँ तक दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बांद्रा कुर्ला सीलिंग है ना वो यहाँ से दिखाई देता है। अगर बारिश नहीं हुई होती तो फ्रंट कैमरे से तो नहीं दिखाई देगा, बैक कैमरे से दिखाती है। ये आसमान को छूती हुई बिल्डिंगें दिख रही हैं, बिल्डिंगें भी नहीं दिख रही ठीक से, सिर्फ उनकी परछाइयाँ दिख रही हैं। ध्यान से देखेंगे तो परछाइयाँ दिख जाएंगी। ये बिल्डिंग क्लियर दिख रही हैं सब, थोड़ी थोड़ी धुंधली तो नहीं दिख रही, क्लियर तो नहीं दिख रही हैं, पर कुछ बिल्डिंगें हैं ना आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही हैं जो कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा ठीक से। कुछ कुछ है थोड़ा सा दाग जैसा जो दिख रहा है, वो बिल्डिंग ही दिख रहा है सब। तो अभी चल रहे हैं, जाना है घर, नहीं तो लेट हो जाएगा घर जाने में भी। और हमारी मैडम अभी तक आई नहीं है लग रहा है, घर पर पहुँची होती तो फ़ोन की होती। तो अभी चलते हैं, भजन अभी तक हो रहा है मंदिर में। कहाँ गए वो लोग, आयुष्मान कहाँ है, आयुष्मान बुलाओ, चलो चलो चले। अभी ये लोग घर पे नहीं जाएंगे जल्दी, यहाँ पर अच्छा लग गया। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। अभी हम लोग निकलते हैं लेकिन लेट हो जाएगा हम लोग को। चलो चले चले, अभी तक इनकी सेल्फी खत्म नहीं हो रही। चलो ये पेड़ भी अच्छा लग रहा है। अभी नहीं बांध के देख लो यार, डर जा क्यों। हाँ मैंने कहा लिया कर, ये आपको कभी दिखी तो आपको पहले बता देती हूँ। आगे इधर शिवाल, शिवाल से क्यों बोली ना आपको, गाड़ी क्या हो रहा आपको उल्टी गाड़ी। गाड़ी का कार वॉश हो गया यार। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स, वुमेन्स वुमेन्स, देख के चलो बच्चों, घुमाएगा ना गाड़ी, घुमाएगा। तो आदि जा रहा है गाड़ी टर्न लेने के लिए और हम लोग यहाँ पे खड़े रहकर वेट कर रहे हैं। तो गाड़ी देखते ही मुझे चक्कर आ रहे हैं, रुको रुको, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, टर्न लेने जा रहा है आयुष्मान, टर्न ले रहा है। खेल रहे हो तुम लोग भाई, अरे अभी कितना बज रहा है भावना, 5:50 छः बजने वाला है, ट्यूशन का टाइम होके गया। ओहो मजे है, कहाँ चला गया टर्न लेने के लिए, अभी तक आए नहीं ये लोग। नहीं आता ना घूमने में मजा, वो भी कार में और मुझे मम्मा पे गए ना।
तो अभी फर्स्ट पार्ट वाली स्टोरी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बिंदु को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया हमने, पूरा टेस्ट करवाया, सब कुछ करवाया, पर कुछ नहीं निकला टेस्ट में। उसको कुछ नहीं हुआ था, डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, बस थोड़ा सा हथेड़ी में सूजन आ गया था जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा था। फिर आया चौथा मंडे, तो बिंदु ने बोला कि तीन मंडे तो हम लोग ने क्लियर कर ही लिया है, एक ही मंडे बचा है, चल उसको भी क्लियर करके आते हैं। फिर मैंने बोला ठीक है, चलो उसको भी क्लियर ही कर लेते हैं, जब तीन मंडे जा ही चुके हैं तो एक मंडे और सही। तो इस तरह से भगवान ने हमें ज़बरदस्ती से बुलाया और तब से हम यहीं आने लगे दर्शन करने के लिए हर सावन में। लॉकडाउन के टाइम पे हम नहीं आ पाए थे, फिर उसके बाद में हम आ ही रहे हैं तब से। और अब तो आप लोग भी आ गए मेरे साथ में, आप लोगों ने भी दर्शन कर लिया। तो हे भगवान, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सभी को खुशियाँ देना, सबको खुश रखना। वैसे यहाँ की एक और स्टोरी है जो अगर आप लोगों को सुनना हो तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं बताऊँगी, दूसरी स्टोरी सुनाऊँगी, उसे भी सुनना आप लोग। वो स्टोरी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनोगे तो एकदम दंग रह जाओगे। आप लोगों को अगर सुनना होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं वो भी सुना दूँगी आप लोगों को। तो अभी चलिए चलते हैं, आँखें बंद करती हूँ और घर चलती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं भी और इन लोगों को भी बहुत परेशान कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी तबीयत कैसी ख़राब हुई है, लवली ने वीडियो बना लिया है। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है, मैं आदि को शॉर्टकट रास्ता बता के वहाँ से घर पे लेके जा रहे हैं हम लोग। शॉर्टकट रास्ता थोड़ा ख़राब है लेकिन पहुँच जाएंगे घर पे। ये मम्मी की तबीयत एकदम ख़राब हो गई है, कोई मम्मी की हालत नहीं है वीडियो बनाने की, तो मैं बना रही हूँ। भावना बाल बना रही है और भगवान जी के दर्शन कर लो सब लोग, ऐसे ही बोलती हो ना बेचारी मेरी मम्मी। और आयुष्मान और ओम में बहुत सारी एनर्जी है। तो गाइस मैं थक थका के मरमरा के आ गई हूँ, मेरी हालत पंचर हो गई है। सभी लोग मेरे ऊपर देख के बिल्कुल हंसते रहते हैं कि आंटी को क्या हो रहा है, उल्टी आ रही है, क्या करूँ, मेरी हालत ही ऐसी हो जाती, पता नहीं क्या हुआ है मेरे, मुझे कार में बस चक्कर आते। यहाँ पर भी कोई आए हैं पूजा करने के लिए, कर रहे हैं। चलो अभी चलती हूँ ऊपर, चला रहे हो लोग, चल सिमरन दूध लेके आएंगे, चलो बच्चे लोग को बुला लें, ओम और आयुष्मान को बुला लें, चलो कभी नहीं भागने का बेटू। तो वहाँ से आने के बाद में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं सो गई तो मुझे कुछ होश नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं नहीं सोऊंगी ना तो मेरी तबीयत डाउन की डाउन रहेगी, सोने के बाद में मुझे कुछ भी, मैं ठीक हो जाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ, पर मैं उठी हूँ कितने बजे, पौने नौ बजे उठी हूँ। और अभी मैं चाय का वेट कर रही थी, लवली ने मेरे लिए चाय लाया है और मैंने कुछ भी खाया नहीं था ना, तो अभी थोड़ा सा कुछ लाइए बना के मेरे लिए। आयुष्मान पढ़ाई कर रहे हैं मेरा बच्चा, आजकल बच्चे फ़ोन में पढ़ाई करते हैं। बात मैं उठी तो मैंने थोड़ा मुँह धोया और थोड़ा सा मैंने पाउडर लगा लिया है तो थोड़ी अच्छी लग रही है। आज तो भगवान ने बड़ी कठिन परीक्षा ली मुझे ना, कोई कार खरीदे कोई हवाई जहाज खरीदे मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर किसी ने स्कूटी खरीदा हो या बाइक खरीदा हो, ऑटो खरीदा हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पे मैं जा सकती हूँ और कुछ नहीं। बस कार टैक्सी एरोप्लेन पे अभी तक बैठी नहीं हूँ, लेकिन पता है अजय बोलते हैं तो बैठेगी तो हालत तेरी ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा ही कुछ होगा लगता है मेरे साथ। पर अभी चलो मैं थोड़ा सा आराम करके उठ चुकी हूँ। मैं ऐसे सो गई थी ना तो इधर चूड़ियों का निशान पड़ गया था, इधर दिख रहा है आप लोगों को, तो नज़दीक से दिखाती हूँ। ऐसा हाथ पे ऐसा मुँह रख के सो गई थी पर चूड़ियों का निशान पड़ गया, यहाँ पे तीन चूड़ियों का निशान पड़ा हुआ दिख रहा है। लवली को दिख रहा है, लवली खा रही है, लवली बेचारी मेरी बच्ची के ड्रामा देखते देखते खा रही है, मैं भी थोड़ा सा के ड्रामा देख देख के खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और देखिए तब तक आयुष्मान पढ़ाई कर रहा है मेरा हीरो।
पंखा चालू करती हूँ भाई, आज तो आप पढ़ाई कर रहे हो इसलिए पंखा चालू करना पड़ेगा भाई। थक गया मेरा बच्चा, इतना थक गया है कि इसको अभी पसीने आ रहे हैं, तो इसको पंखा चालू। मैं थोड़ी अच्छी लगी हूँ क्या तुझे? अच्छी लगी हूँ खुद का मुझे, तुझे तो कोई नहीं अच्छा लगता है, हमेशा यही पहनती हूँ इसलिए मैं आयुष्मान को अच्छी नहीं लगती हूँ। पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आयुष्मान को अच्छी लगूंगी मैं। अभी मैंने खाना बना लिया है, चेंज भी कर लिया, पहले मैंने चेंज किया फिर मैंने खाना बनाया। मैंने बनाया है आज राइस और सब्जी बनाया मैंने, इंग्लिश में बोलना चाहिए ना। तो कपड़े सब मैं ऐसे ही फेंक के चली गई थी, रेडी हो रही थी, तो ये सब घड़ी करना है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कितना मैं ऐसे सब मेसी करके चली, कपड़े सब फेंक के गई थी, अब इसे फटाफट सब घड़ी करके रख देती हूँ। अजय को खाना खिलाते, देखो चादर, हम लोग बेडशीट हम लोग बिस्तर पे कभी नहीं बिछाते हैं, बेडशीट हमारा बाहर ही पड़ा रहता है, हम लोग ओढ़ लेते हैं लेकिन बेडशीट बिछाते नहीं हम लोग, बेडशीट हमें ओढ़ने के लिए चाहिए होता है। हमारे घर में कितना भी बेडशीट रहेगा हम बेड पे कभी नहीं बिछाएंगे। मैं बेडशीट लगा देती हूँ, मेरे बच्चे तुरंत निकाल देते हैं, इन लोगों को बहुत पसंद है पहले से ही, घर कितना भी अच्छा बना के रखो ये लोग को गंदा करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी चलती फटाफट सब कपड़े खड़ी करती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। अभी मैंने ये कपड़े सब खड़ी करके रख दिए हैं, बच्चों के अलग, मेरे अलग, अजय के अलग, सब घड़ी करके रख दिया है। सबके कवर में लगा देती हूँ इन सबको, लग रहा है बारिश आ रही है तो थोड़ा थोड़ा सीलन पकड़ रहा है दीवार में। हाँ मैंने नहीं खाया, अजय ने खा लिया है, मुझे खाना बाकी है। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं खाना खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो खाना खा लिया है मैंने अभी, आप लोगों को ऐसा लगेगा किसने खाना खा लिया है। खाना मैं खाती हूँ, मैं उपवास नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ जल चढ़ाती हूँ भगवान जी को। पहले मैं उपवास रखती थी, बहुत उपवास रखती थी, पहले शुक्रवार का उपवास रखता, शनिवार का उपवास रखती थी, सोमवार का उपवास रखती थी, बहुत उपवास रखती थी। तो आयुष्मान मेरा पेट में आया तो फिर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, डॉक्टर ने बोला आप नहीं कर सकते हो, तो आप सिर्फ पूजा करो, डॉक्टर ने बोला आप पूजा करो, जरूरी नहीं आप उपवास रखो। तब पूजा ही करने लगी, उपवास रखना मैंने बंद कर दिया है। अभी शायद मेरा शरीर भी जवाब दे रहा है, उपवास रखने के लिए होता नहीं है, करवा चौथ का रखती हूँ तो भी हालत ख़राब हो जाती है, उसमें सिर्फ दिन भर उपवास रखते हैं, रात को तो चांद चंद्रमा को देख के खा पी सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका है, तो ऑपरेशन की वजह से फिर मुझे तकलीफ़ होती है। काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग क्या हर कोई करता है, मेरी बहन खुद करती है, उसका तो हर मतलब कोई भी उपवास छोड़ती नहीं है वो, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं तीज वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ, मेरा तीज भी छूट गया है, अभी तीज आने वाला है हम लोगों का। मैं सिर्फ 2-4 घंटे उपवास रख सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रख पाऊँगी क्योंकि फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो भगवान मेरी श्रद्धा देखेंगे, मेरा उपवास रहना नहीं। हाँ मैं भगवान से बहुत प्यार करती हूँ, ये उनको मुझे उपवास रह के नहीं दिखाना है, मुझे उनकी पूजा करके दिखाना है, वो मैं कर लेती हूँ। देखो इतना अच्छा लगा, पर जाने आने में जो मेरी हालत ख़राब हो जाती है ना, पता नहीं क्यों इतनी हालत ख़राब होती है, बहुत टेंशन होता है मुझे, कहीं जाने का रहता है ना तो बहुत, सिर्फ मैं बाइक और स्कूटी से जा सकती हूँ या फिर ऑटो से, बाकी कार से, बस से, ये सबसे मुझे बहुत चक्कर आता है, हालत ख़राब हो जाती है। फिर भी मैं गई क्योंकि मैं भगवान जी से प्यार करती हूँ, तो हम लोग जाके दर्शन करके आए। हम सब भगवान जी से प्यार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका प्यार मतलब वो अपना प्यार, सबका प्यार दिखाने का अलग अलग तरीका होता है। अभी हम लोग भी कुछ लोग सावन, पूरा सावन तक उपवास रखते हैं, पूरा दिन भर उपवास रहेंगे, रात को खाएंगे पिएंगे, और कुछ लोग सिर्फ सोमवार को उपवास रखते हैं, दिन भर उपवास रखेंगे, रात भर उपवास रखेंगे, सुबह कुछ खाएंगे। तो मैं उपवास नहीं रखती हूँ, नहीं रख पाती हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं नहीं रख पा रही हूँ। पहले मैं बहुत रखती थी, पर अभी उन्होंने ऐसा ही कुछ कर दिया है कि मैं उपवास नहीं रख पा रही हूँ। शायद वो नहीं चाहते होंगे कि मैं उपवास रखूँ, पर मैं उनसे प्यार करती हूँ तो उनको पता है। तो अभी शायद जल्दी उठना है क्योंकि आयुष्मान का स्कूल है, आज भी उसको स्कूल भेजा था मैंने, कल भी जाना है स्कूल, इसलिए हम लोगों को जल्दी सोना पड़ेगा। खाना खा लिया है हम लोगों ने, तो अब सोने की तैयारी करते हैं। और प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।